बच्चों अभी हम एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन 1 डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड द रिमाइंडर इफ एनी। ये जितने भी सम्स है उसका हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। ये हम नोटबुक में सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या है, डिवाइड द फॉलोइंग चेक योर आंसर। सॉल्यूशन करना है, बाद में उसका जो आंसर ये राइट है कि रॉन्ग वो हमें चेक करना है। ओके, क्वेश्चन 5B, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड द रिमाइंडर इफ एनी। 1255 बाई 6। ओके, यहाँ पे पहले नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 से 1 क्या हो गया है, यहाँ पे स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 नंबर लेंगे। 6 टू जट 12, तो 12 माइनस 12 जीरो जीरो, ऊपर से हमने लिया 5, तो 5 भी 6 से कैसे हो गया है, स्मॉलर नंबर, इसलिए हम यहाँ पे 2 नंबर लेंगे। अगर यहाँ पे हमने 2 नंबर लिया उसके, हमें यहाँ पे ऊपर क्या लिया है, 0। फिर हम दोनों को साथ में डिवाइड करेंगे, 6 9 जै 54, तो 55 माइनस 54, तो 5 में से 4 जाएगा, तो 1 5 5 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 1। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर हमें मिल गया 1। बी, 8318 डिवाइडेड बाय 7। ओके, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, आपको 7 देन 8 ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 7 जा 7, 8 में से 7 जाएगा, तो 1, ऊपर से हमने लिया 3, तो 7 टू जा 14 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 7 जा 7, तो 3 में से 7 नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 13 के लेंगे, 13 में से 7 जाएगा, तो कितना रहेगा यहाँ पे 6, ऊपर से हमने लिया है 1, यानी कि 1 डिवाइड होगा। अभी 7 8 जा 56, 7 7 जा 49 होता है, तो एकदम स्मॉलर हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, 7 8 जा 56, और 7 9 जा 63, तो 61 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हमने 56। 1 में से 6 नहीं जाएगा तो 11 कैरी लेंगे, 11 में से 6 जाएगा तो 5, और यहाँ पे 5 होगा इसलिए 5 5 0, ऊपर से हमने क्या लिया यहाँ पे 8, तो 58 हो गया, तो 7 8 जा 56, तो 58 माइनस 56, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 5 5 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया है, 2। सी, 1377 डिवाइजर क्या है यहाँ पे, 3, 3 4 जा 12, 13 माइनस 12, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 1 0, ऊपर से हम लिया 7, 3 5 जा 15, अगर 3 6 जा 18 तो 17 से तो 18 ज़्यादा हो गया, इसलिए 3 5 जा 15, 7 में से 5 जाएगा तो 2, ऊपर से हमने लिया 7, तो 27, 3 9 जा 27, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0, तो रिमाइंडर हो गया यहाँ पे 0। डी, 8624 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4, तब यहाँ पे डिवाइड होगा, 4 टू जा 8, 8 8 0, यहाँ पे इक्वल नंबर हो गया। ओके, 6 तो 4 वन जा 4, क्योंकि 4 टू जा 8 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 वन जा 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2, ऊपर से हमने लिया 2, 4 5 जा 20, तो 22 माइनस 20, तो 2 0 2 2 2 0, ऊपर से हमने क्या लिया है 4, तो 24 हो गया, 4 6 जा 24, तो 0 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 0। ओके, ई, 2442 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 जा 24, 4 4 0 2 2 0, 4 यहाँ पे हमने लिया है, तो 6 से 4 स्मॉलर नंबर है, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने 2 नंबर भी यहाँ पे साथ में ले लिया है, यहाँ पे 42 यहाँ पे साथ में ले लिया हमने, इसलिए उसका यहाँ पे होगा 0, 6 7 जा 42, तो 42 माइनस 42 क्या हो जाएगा, 0 0, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या हो गया, 0। एफ, 5648 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 6 16, 2 8 जा 16 0 0, ऊपर से लिया 4, 2 2 जा 4 0 0 0 8, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या हो गया, 0। जी, 6150 डिवाइडेड बाई 5,
फाइव वन जा फाइव, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस सिक्स में से फाइव जाएगा तो वन, ऊपर से लिया वन, फाइव टू जा टेन, इलेवन माइनस टेन तो वन, ऊपर से लिया हमने फाइव, तो क्या हो गया फाइव थ्री जा फिफ्टीन, ओके, तो फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन तो जीरो जीरो, ये जीरो बाकी है तो हमने यहाँ पे जीरो लिया है, तो ऑफकोर्स फाइव मल्टीप्लाई जीरो जीरो हो गया, तो रिमाइंडर यहाँ पे भी क्या हो गया जीरो। एच 2781 डिवाइडेड बाई नाइन, यहाँ पे टू है नाइन है, तो यहाँ पे टू कैसा हो गया स्मॉलर नंबर तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम दो नंबर साथ में लेंगे, तो नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, अभी यहाँ पे क्या होगा माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन जीरो जीरो, ऊपर से लिया एट, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी नाइन से एट नंबर स्मॉलर हो गया, इसलिए हमने दोनों नंबर साथ में लेंगे, यानी कि एट और वन साथ में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे टू नंबर लिया इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे जीरो लेंगे, नाइन नाइन जा एट्टी वन तो जीरो जीरो। आई 6642 डिवाइडेड बाई एट, एट एट जा सिक्सटी फोर, ओके, सिक्स में से फोर जाएगा तो टू, ऊपर से मैंने लिया फोर, तो एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर तो जीरो जीरो, ऊपर से लिया हमने टू, तो एट से टू कैसा हो गया स्मॉलर नंबर होगा, अगर आगे से हम ये करेंगे तो डेसिमल में जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया है जीरो, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया है टू। 9223 डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन माइनस नाइन जीरो, ऊपर से हमने लिया टू, तो थ्री से टू स्मॉलर नंबर है इसलिए हमने अदर टू नंबर लिया, यानी कि टू नंबर साथ में ले लिया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जीरो हो गया, अभी यहाँ पे होगा थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, ओके, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, टू एंड वन में से वन, टू टू यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, ऊपर से हमने क्या लिया है थ्री, तो थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो थ्री में से टू जाएगा तो वन, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया वन, और आंसर क्या हो गया 3074। क्वेश्चन टू, डिवाइड द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर, ओके, वन यानी कि ए 4483 डिवाइडेड बाय सिक्स, तो फोर सिक्स है स्मॉलर नंबर है इसलिए हम दो नंबर साथ में लेंगे, तो सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, फोर में से टू जाएगा तो टू, फोर में से फोर जीरो, फिर हमने यहाँ पे लिया एट, सिक्स फोर जा ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी फोर, क्यों ट्वेंटी फोर क्यों आया, क्योंकि सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, एट में से फोर जाएगा तो फोर, टू टू जीरो, ऊपर से हमने लिया थ्री, तो सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, तो थ्री में से टू जाएगा तो क्या हो जाएगा वन, और फोर फोर क्या हो गया जीरो, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट क्या हो गया यानी कि आंसर 747 और रिमाइंडर क्या हो गया वन, तो वो हमें आंसर चेक करना है तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे जो आंसर आया है 747 जो आंसर आया है उनका डिवाइजर के साथ क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू तो टू फोर कैरी, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर में फोर ऐड करेंगे तो ट्वेंटी एट टू कैरी, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, फोर्टी टू में टू ऐड करेंगे तो फोर्टी फोर्टी फोर, ओके, तो 4482, लेकिन यहाँ पे डिवाइड क्या है 4483, तो यहाँ पे आंसर क्या है 4482, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो रिमाइंडर आया है और रिमाइंडर का हम क्या करेंगे ये जो आंसर आया है उसके साथ हम प्लस करेंगे, तो टू एंड वन थ्री एट फोर फोर, तो 4483 डिवाइड आ गए यहाँ पे, इसलिए क्या होगा 747 आंसर क्या होगा राइट होगा। बी 1017 डिवाइडेड बाई फाइव, फाइव टू जा टेन, तो टेन माइनस टेन जीरो जीरो, वन लिया तो फाइव से वन स्मॉलर नंबर है इसलिए हमने सेवन भी साथ में ले लिया, तो यहाँ पे टू नंबर डिवाइड के लिए लिए इसलिए यहाँ पे हो गया जीरो, इसलिए हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे।
फिर 5 3 15, तो 17 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, रिमाइंडर हो गया 2। तो 203 मल्टीप्लाई 5 5 3 15, 5 2 10, तो रिमाइंडर क्या हो गया 2। तो हम 2 का प्लस करेंगे तो 1070, तो आंसर इज राइट सी। 9314 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 9, यहाँ पे 3 लिए, 3 1 3 ओके 0, फिर हमने 1, तो 1 क्या होगा स्मॉलर नंबर है इसलिए हमने 4 भी साथ में ले लिया इसलिए यहाँ पे 0 होगा। फिर 3 4 12, 14 माइनस 12, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर 3104, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। तो 3104 मल्टीप्लाई 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 3 9, और ये जो रिमाइंडर 2 आया उसका हम क्या करेंगे ये आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 1 3, एंड यहाँ पे हो गया 9। डी 1565 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 1 स्मॉलर नंबर हो गया इसलिए हम दो नंबर साथ में डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 15 माइनस 14 तो 1, ऊपर से लिया 6, 2 8 16, तो 16 माइनस 16, 0 0, 5, तो 2 2 4, तो 5 माइनस 4 1, चेक द आंसर 782 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 2 8 16, 1 कैरी, 2 7 14 एंड 1 15, और प्लस 1, तो 4 एंड 1 5 6 5 एंड 1, तो डिवाइड इट 1565 हो गया, तो ये आंसर भी कैसा हो गया राइट ई। 6012 बाई 3, 2 3 6 6 6 0, ऊपर से लिया 0, तो ऊपर भी क्या हो गया 0 हो गया ओके। फिर हमने यहाँ पे साथ में 12 नंबर लिया इसलिए एक और 0 लेंगे, फिर 3 4 12, तो 12 माइनस 12, 0 0, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा 2004 मल्टीप्लाई 3, तो 3 4 12, तो 2 लिया 1 कैरी, 3 0, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, 3 0, तो 0, और 3 2 6, तो 6012 राइट इज एफ। 2275 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 21, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 2 0, ऊपर से मैंने लिया 7, 7 2 14, 17 माइनस 14, 7 में से 4 जाएगा तो 3, ऊपर से मैंने लिया 5, 7 5 30, 5 0 0, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 325 मल्टीप्लाई 7, 7 5 30, 3 कैरी, 7 2 14 एंड 3 17, 1 कैरी, 7 3 21, 21 एंड 1 22, तो 2275 आंसर इज राइट जे, जे है कि जी, जी है ओके। 1266 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 12, 12 माइनस 12, 0 0, 6, 2 3 6 6 6 0 0, ऊपर से लिया मैंने 6, 2 3 6, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। 633 मल्टीप्लाई 2, तो 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, तो आंसर भी कैसा हो गया है राइट, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड 1266, तो आंसर यहाँ पे हो गया एच। 3064 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 3 27, 0 में से 7 नहीं होगा तो 10 कैरी लेंगे, 10 में से 7 जाएगा तो 3, ओके ऊपर से लिया मैंने 6, तो 9 4 36, 36 माइनस 36, 0 0, ऊपर से मैंने 4, अगर यहाँ पे मैंने 0 लगा के करेंगे तो डेसिमल में जाएगा इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो 340 मल्टीप्लाई 9 9 0 0, 9 4 36, 3 कैरी, 9 3 27, 27 में 3 ऐड करेंगे तो 30, ओके तो 3060 रिमाइंडर 4 है तो हम प्लस 4 करेंगे, 0 4 4 6 0 3, तो 3064 इज राइट आई। 1805 डिवाइडेड बाय 2, 2 9 18, 0 0, ऊपर से मैंने 0 लिया तो यहाँ पे भी 0 लेंगे हम, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 0 0, फिर यहाँ पे 2 2 4, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना इसीलिए, तो 5 4 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,
तो 902 मल्टीप्लाई टू 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 जा फोर, टू मल्टीप्लाई जीरो जीरो, टू नाइन जा एटीन, प्लस वन फोर एंड वन फाइव, जीरो जीरो एट एंड वन, तो डिवाइड हो गया, आंसर इज राइट। 7819 डिवाइडेड बाय फाइव, फाइव वन जा फाइव, सेवन में से फाइव जाएगा तो टू, ऊपर से लिया मैंने एट, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, तो ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी फाइव, एट में से फाइव जाएगा तो थ्री, ऊपर से मैंने लिया नाइन। ओके तो फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, तो नाइन में से फाइव जाएगा तो फोर, जीरो फाइव एट जा फोर्टी, तो फोर्टी माइनस फोर्टी, तो रिमाइंडर क्या हो गया जीरो। तो 1578 मल्टीप्लाई फाइव, फाइव एट जा फोर्टी, फोर केरी, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव एंड फोर थर्टी नाइन, तो यहाँ पे नाइन, थ्री केरी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एंड थ्री ट्वेंटी एट, तो टू लेंगे केरी और एट यहाँ पे लिखेंगे, और फाइव वन जा फाइव, फाइव एंड टू सेवन, तो आंसर इज राइट। इस तरह से हमें क्या करना है, आंसर को हमें चेक करना है।